हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का पेपर जो हुआ था, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का पेपर जो है ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से बताएँगे कि फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीरीज बी का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो आप लोग इससे जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ ये आपको बता दें कि अगर आप लोग किसी भी शिफ्ट का, चाहे सेकंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट का, किसी भी सीरीज का पेपर का सॉल्यूशन आंसर की के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का पेपर जो है हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक जो आया था ये आपका तालिका से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, फिर आइए इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी 19.05। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए सी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी 2019। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आइए आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी 2016। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स से क्वेश्चन नंबर टेन तक का जो क्वेश्चन आया था ये तालिका एवं सारणी से आया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 35.3। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1.04। फिर क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेड बुल। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी 57.82। तो फ्रेंड्स, फिर आइए क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी सितंबर। तो फ्रेंड्स, हम जो है आपको फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का पेपर जो है ये सॉल्व करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा तुकाराम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1 और 2। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नवरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। फिर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ये आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3125। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी तावांग। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी शिफ्ट का, किसी भी सीरीज का पेपर का सोल्यूशन चाहिए आंसर की के माध्यम से, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जानते हैं।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। फिर क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई गवर्नर। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति के निदेशक तत्व। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 32 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 आर्टिकल जो है 29, इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर आइए 36 का आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए से। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। फिर क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। फिर क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 - √15। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16% घटी 16% जो है डिक्रीज। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 ईयर्स। और फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा अहंकार। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़े में बहुत कहना। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वाकांक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुल। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है आपका UP SSSC पेट का जो 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का सीरीज बी का पेपर हुआ था, तो फ्रेंड्स उसी का सोल्यूशन जो है हम आपको ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये इंग्लिश का पैसेज दिया था और इसी में से इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 तो फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलर, जो कि फ्रेंड्स फेमस का सिनोनिम्स पूछा था। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा मानव। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइव।
फिर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेल। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा रिलायंस जियो। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घाना। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित मलिक। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी सिरसा बादला। फिर क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सान जोस। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। फिर क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए 552। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 552। फिर क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। तो सितंबर 14 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स फिर आइए क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। फिर क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी मलयालम। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। फिर क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 85 तक जो है ये हिंदी का गद्यांश दिया गया था और इसी में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा और प्रेम। फिर क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांत सुख और रचनात्मक कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मानव जाति के विकास के लिए। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 90 तक का जो क्वेश्चन आया था ये हिंदी का गद्यांश दिया गया था और इसी में से इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुर रूढ़ीवादी विचारधारा से। फिर क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों में से कई लोगों ने गलत किया है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट और अनायास बोधगम। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 का आइए आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। फिर क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 95 तक आपका ग्राफ से क्वेश्चन आया था। तो फिर आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर था ये ऑप्शन सी था 1, 2, 3 और 6। फिर फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है ये आपका है 92। तो 92 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त इनसफिशियंट डाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए 1.20। फिर क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो 95 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक का जो क्वेश्चन आया था ये भी आपका
ग्राफ से ही क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22.2। फिर क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 62.5 mt जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2018 से 2019। फिर क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 3/4। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी 2016 से 2017। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो जो है हम किस शिफ्ट का और किस सीरीज का पेपर जो है ऑप्शनल आंसर की के माध्यम से सॉल्व कराएँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।